नमस्कार दोस्तों, अभी अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। रांची में भाजपा नेता पर दिन दहाड़े हुई फायरिंग, अस्पताल में भर्ती। रांची में भाजपा नेता चतुर साहू पर दिन दहाड़े गोली चलाई गई है। इस गोलीबारी में भाजपा नेता की जान बच गई है, लेकिन एक गोली उनके हाथ को चीरते हुए आगे निकल गई, जिससे वे घायल हो गए हैं। दोस्तों, गोलीबारी में घायल भाजपा नेता चतुर साहू को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चतुर साहू भाजपा ओबीसी मोर्चा के नेता हैं। मंगलवार को उन पर उस समय हमला हुआ जब वे अपनी छड़ सीमेंट की दुकान पर बैठे हुए थे। दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार भाजपा नेता चतुर साहू और मांझी थाना क्षेत्र के पिस्का चौक के पास छड़ सीमेंट की दुकान चलाते हैं। हर दिन की तरह मंगलवार को भी वे अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। इसी बीच बाइक सवार एक अपराधी दुकान पर पहुंचा और दोस्तों अपने कमर से पिस्टल निकालकर भाजपा नेता को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। दुकान में बैठे चतुर ने अपराधी को अपनी ओर हथियार लेकर आते देख लिया, जिसके बाद वह काउंटर की तरफ झुक गया। इसी दौरान दोस्तों उनका हाथ ऊपर चला गया और गोली उनके हाथ में दोस्तों लग गई। वहीं अपराधियों ने दूसरी बार भी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन गोली उसके पिस्टल में ही फंस गई थी। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग जब दौड़कर वारदात वाले स्थल के पास आने लगे तो अपराधी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गया है। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने आनन फानन में पहले मामले की जानकारी पुलिस को दी और फिर घायल भाजपा नेता को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। और मांझी थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि गोलीबारी की वारदात एक ही अपराधी के द्वारा अंजाम दिया गया है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल भाजपा नेता का इलाज चल रहा है, इसलिए उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं की गई है। अब तक की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, भाजपा नेता पर गोलीबारी की गई है, लेकिन वो बाल बाल बच गए हैं। इस समय वो अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल दोस्तों पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बेहद बुरी खबर दोस्तों। आप अपनी राय कॉमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।